गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी दूसरी क्लास पे चलेंगे। और इस दूसरी क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसंस। मींस आपके प्रोज में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 30 एमसीक्यूज को छाटे हुए हैं। और ये 30 एमसीक्यूज ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और यहीं से आपकी बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। अब 3 नंबर पक्के कैसे होंगे, आप लोग यहां पर सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस में देखिए आपका प्रोज का सिलेबस यहां पर है। प्रोज के सिलेबस में पहला पॉइंट दिए हुए हैं 2 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट। मींस एक पैसेज दिए होंगे, उस पैसेज के आधार पर 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और ये 2 नंबर का होगा और इसे आपका रिवीजन सीरीज की पहली क्लास में करा चुके हैं। अब दूसरा पॉइंट देखिए इसमें प्रोज के सिलेबस में 3 एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसंस। मींस आपके प्रोज में 6 चैप्टर हैं और उन 6 चैप्टर के आधार पर आपके बोर्ड परीक्षा में 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। तो इसलिए जाहिर सी बात है 3 एमसीक्यूज है तो मींस 3 नंबर के। तो आज यही आपका इस क्लास में कवर कराने वाले हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए आप क्लास को ध्यान से अटेंड करोगे और इसके पहले जो रिवीजन सीरीज की पहली क्लास चली हुई है, अगर आपने रिवीजन सीरीज की पहली क्लास अटेंड नहीं किए हुए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में 35 एमसीक्यूज की महत्वपूर्ण श्रृंखला कराई जा चुकी है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए भी हो तो प्यार जी आप लोग अपनी पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, मींस अपनी क्रैश कोर्स के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं और इसके साथ साथ आप ग्रामर के लिए सेकेंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से जुड़ जाएंगे। आपकी ग्रामर की क्लासेस उसी चैनल पर आपकी हो रही हैं 6:00 PM, तो इसलिए आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे। तो भैया अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो अब यहां पर देखिए आपका एमसीक्यूज बेस्ड ऑन लेसंस हमने लिखे हुए हैं और पहला एमसीक्यूज आपके सामने है और ये पहले चैप्टर से है। पहला प्रश्न देखिए क्या है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, वेयर वाज मींस कहां पर, लेंचोज हाउस मींस लेंचो का घर, सिचुएटेड मींस स्थित था, लेंचो का घर कहां पर स्थित था। तो भैया पहला चैप्टर क्या है, अ लेटर टू गॉड है ना, और लेटर टू गॉड के आधार पर ये आपका प्रश्न है। तो लेंचो का घर कहां पर स्थित था, तो ऑप्शन देखिए, इन अ विलेज, एक गांव में स्थित था, बिल्कुल नहीं, टॉप ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर स्थित था ना, तो टॉप मींस ऊपरी जो है चोटी पर, ऑफ अ लो हिल मींस निचली पहाड़ी के ऊपरी चोटी पर ही स्थित था ना, तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मींस पहले का बी सही हो जाएगा। बाकी तीसरा ऑप्शन है टॉप ऑफ अ प्लेटू, प्लेटू मींस पठार के ऊपर, बिल्कुल नहीं, और जो है चौथा ऑप्शन है इन अ सिटी मींस एक शहर में, ए बी नहीं। तो भैया जो है क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन टॉप ऑफ अ लो हिल मींस निचली पहाड़ी की ऊपरी भाग पर क्या था, स्थित था। तो इसलिए पहले का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम पहले के बी वाले पर दनादन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो भैया देखिए हमने जो है नीचे बी वाला ऑप्शन पर टिक कर दिए हुए हैं और आपको बोर्ड परीक्षा में गुलियाना है क्योंकि आपको उमार सीट मिलेगी, उसका प्रैक्टिस आपको करा देंगे, तो इसलिए बिल्कुल आप लोग परेशान ना हो। आप देखिए आपका दूसरा प्रश्न आपके सामने है,
What did Lencho compare? Lencho ने किससे तुलना किया? The large raindrops with means लंबी जो है वर्षा की बूंदों को, लंबी वर्षा की बूंदों को means बड़ी, large means लंबी means बड़ी, बड़ी वर्षा की बूंदों को Lencho ने किससे तुलना किया? तो भैया किससे तुलना किए हुए थे? उन्होंने नए क्वाइंस के थे ना, न्यू क्वाइंस means नए सिक्के, उन जो है वर्षा की बूंदों को कहे हुए थे ना। क्यों नए सिक्के कहते? क्योंकि वे जो है क्या ओले पड़ रहे थे और ओले नए सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे, तो इसलिए आपका देखिए जो है नए सिक्के वाला ऑप्शन कहां पर दिए हुए हैं। पहला जो है बॉल, बिल्कुल नहीं, वर्षा की बूंदों की तुलना बॉल से नहीं किए थे, बिल्कुल नहीं। दूसरा पल्स, मोती, बिल्कुल ए भी नहीं होगा। डायमंड्स, ए भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखिए आपका दिए हुए न्यू क्वाइंस, तो Lencho ने न्यू क्वाइंस से ही कंपैरिजन किए हुए थे ना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदों की तुलना किससे किए थे? न्यू क्वाइंस से किए हुए थे ना। तो आपका दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के डी पर हम लोग क्या कर देंगे? दनादन टिक कर देंगे। और आप लोग दनादन वीडियो को लाइक भी करते चलिए। और जो बच्चे अभी तक चैप्टर को कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, वे ध्यान देंगे, चैप्टर की समरी तो किसी भी कीमत पर पढ़ लेंगे। बिना चैप्टर की समरी का आपको जो है आपको चैप्टर के बारे में पूरा एनालिसिस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप चैप्टर की समरी की क्लास को अटेंड पहले करेंगे, उसके बाद ही आप अन्य क्लासेस के क्लासेस को अटेंड करेंगे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, What was the only hope? Means केवल एकमात्र आशा क्या थी? Left in the heart of Lencho's family. Means Lencho के परिवार में कौन सी एक, Lencho के परिवार में, Lencho के परिवार के हृदय में कौन सी एकमात्र आशा बची हुई थी? तो यही हो जाएगा, What was the only hope left? Means कौन सी एकमात्र आशा बची थी? In the hearts means हृदय में, of Lencho's family means Lencho के परिवार के, Lencho के परिवार के हृदय में कौन सी एकमात्र आशा बची हुई थी? तो भैया कौन सी एकमात्र आशा बची हुई थी? हेल्प फ्रॉम गॉड मींस ईश्वर से मदद की ही आशा बची हुई थी ना, और तो कोई आशा नहीं बची हुई थी ना। केवल उन लोग को उम्मीद था कि भगवान से कुछ मदद मिल जाएगी ना, यही आशा थी ना। तो अब देखिए ये आपका जो है किस ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है कंपेंसेशन फ्रॉम दी गवर्नमेंट मींस सरकार से जो है अनुदान मींस मुआवजा, बिल्कुल नहीं। दूसरा हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन मींस फार्मर्स के एसोसिएशन से मदद, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए आपका दिए हुए हैं हेल्प फ्रॉम गॉड मींस ईश्वर से मदद, और तीसरा ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसलिए तीसरे की तीसरे पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो भैया दनादन हमने तीसरे के तीसरे पर क्या कर दिए हुए हैं? टिक कर दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपका जो है आगे चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न को ध्यान से सुनिए। हाउ मच मनी मींस कितना पैसा डिड Lencho आस्क मींस Lencho ने कहा, आस्क फॉर मींस मांगा, आस्क फॉर मींस हो जाएगा मांगा, मींस Lencho ने कितने पैसे के लिए कहा या फिर कितने पैसे को मांगा। तो भैया जो है Lencho ने जो पत्र लिखा हुआ था उस पत्र में इतने कितने कितने पैसे को कहा हुआ था, तो 100 पीसेस को पीसोस को कहा हुआ था ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 पीसोस। Lencho ने कितने पीसोस को मांगा हुआ था? 100 पीसोस को मांगा हुआ था ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और जो है अभी कमेंट करिए कि जो है उसे कितना पीसोस मिला हुआ था। उसने मांगा तो 100 पीसोस था, लेकिन उसे मिला कितना पीसोस था, आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए परिचय आपके सामने पांचवा प्रश्न है, What did Lencho think? Lencho क्या सोच रहा था आप दी पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज मींस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के प्रति Lencho क्या सोच रहा था? तो भैया वह यही सोच रहा था ना, कुकुल बेईमान के झुंड है ना, बंच ऑफ क्रूक्स सोच रहा था उनके बारे में। उन्होंने उसने कहा भी था ना कि ये सभी कर्मचारी बंच ऑफ क्रूक्स है ना, मींस बेईमानों के झुंड है ना, यही सोच रहा था ना। तो देखिए ऑप्शन में कहां पर दिए हुए हैं, पहला ही ऑप्शन आपका दिए हुए बंच ऑफ क्रूक्स मींस बेईमानों का झुंड, यही सोच रहा था। तो इसलिए आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए पहले पर हमने टिक कर दिए हुए हैं बंच ऑफ क्रूक्स। दूसरा ऑप्शन रूड मींस असभ्य सोच रहा था, बिल्कुल नहीं। तीसरा ऑप्शन है अनहेल्पफुल मींस जो है मदद नहीं मिलेगी,
मदद नहीं दिए, इसलिए अनहेल्पफुल समझ रहा था, बिल्कुल नहीं, प्राउड ये भी नहीं होगा। तो उसने क्या सोचा हुआ था, बंच ऑफ क्रुक्स सोचा हुआ था, मींस बेईमानों का झुंड पोस्टल एम्प्लॉइज को सोचा हुआ था। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवें के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो आपके पहले चैप्टर के आधार पर पांच एमसीक्यूज को हमने कर लिए हुए हैं। आगे अब चलेंगे सेकंड चैप्टर के आधार पर पांच अन्य एमसीक्यूज। हमने छह चैप्टर लिए हुए हैं और सभी छह चैप्टर के आधार पर पांच पांच एमसीक्यूज को हमने छाटे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो है दूसरी चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर के आधार पर कौन कौन सी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग जो है इसे कवर करते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने छठा एमसीक्यूज है, ध्यान से देखिए क्या इसमें दिए हुए हैं। इट वॉज अ सेलिब्रेशन, यह एक समारोह था, आप साउथ अफ्रीका फर्स्ट मीन साउथ अफ्रीका के पहले गवर्नमेंट मीन्स कैसी सरकार के प्रति, मीन्स ये जो सेलिब्रेशन था साउथ अफ्रीका की कैसी सरकार थी, ऑटोक्रेटिक रेशियल मीन्स ऑटोक्रेटिक और रेशियल सरकार थी, बिल्कुल नहीं, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, मीन्स डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातांत्रिक सरकार थी, जो है नेल्सन मंडेला के द्वारा जो सरकार बनी हुई थी प्रजातांत्रिक सरकार थी ना, बिल्कुल डेमोक्रेटिक हो जाएगा। अगला ऑप्शन दी हुई नॉन रेशियल, उसमें कोई जो है जाति विविधता नहीं थी, नॉन रेशियल मीन्स बिल्कुल जाति विविधता उसमें कोई नहीं थी, तभी तो जो ये नेल्सन मंडेला काले थे, तभी तो फिर भी राष्ट्रपति बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। तो वही चीज है कि जो है कैसी गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, और बाकी अन्य सभी ऑप्शन आपके जो है गलत है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा। तो बी पर हमने क्या कर दिए हुए हैं, टिक कर दिए हुए हैं। तो अब पढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए बच्चे आपके सामने सातवां प्रश्न है, होम डिड मंडेला वॉन्ट टू थैंक, मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे बट कुड नॉट, लेकिन नहीं दे पाए, मंडेला किसे धन्यवाद देना चाहते थे लेकिन नहीं दे पाए। तो प्याची हमने आपको पूरी सत्र में अच्छे से पढ़ाई भी है, मंडेला किसको धन्यवाद देना चाहते थे, जो उनके कलीग्स थे, जो उनके साथ ही थे, जो उनके साथ संघर्ष में जो है हमेशा साथ खड़े थे, तो उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे, क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि वे मर गए थे, सभी मर चुके थे, क्योंकि बहुत बूढ़े हो गए थे, 80 के पार हो गए थे, तब प्रेसिडेंट बने हुए थे, मिस राष्ट्रपति बने हुए थे, तो इसलिए इनके साथी सभी मर गए थे, तो इसलिए उन्होंने धन्यवाद नहीं दे पाए। तो मीन्स किसे धन्यवाद देना चाहते थे, ऑप्शन में देखिए आपका क्या दिए हुए हैं, हिज फैमिली, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। तीसरा बी वाला ऑप्शन, अफ्रीकन पैट्रियट्स मीन्स अफ्रीका के देशभक्तों को धन्यवाद देना चाहते थे, बिल्कुल यही सही हो जाएगा, अफ्रीका के देशभक्तों को वे धन्यवाद देना चाहते थे जिन्होंने संघर्ष में उनका साथ दिया हुआ था। तो आपका जो है सेवन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी जो है सी वाला व्हाइट रूलर्स मीन्स जो अंग्रेज शासन करने वाले उन्हें धन्यवाद देना चाहते थे, बिल्कुल नहीं होगा। डी वाला है मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट, मिलिट्री धन्यवाद देना चाहते थे, ये भी नहीं होगा। तो आपका सिंपल सा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सातवें के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सातवें के बी पर हमने टिक किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्याचे आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आप लोग एकदम ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से आप सुनते रहेंगे, और इसका पीडीएफ आपको पेड क्लास के ग्रुप में दिया गया है, तो इसलिए जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आगे बढ़ती है आठवीं प्रश्न की तरफ, यहाँ पर देखिए आपका आठवां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ मीन्स सबसे बड़ा धन क्या है ऑफ अ नेशन मीन्स किसी राष्ट्र का, किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो है क्या होता है, हाँ ग्रेटेस्ट वेल्थ मीन्स सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, अकॉर्डिंग टू, फिर से ध्यान देना प्रश्न को, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज मीन्स क्या है द ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे जो है बड़ा सबसे बड़ी वेल्थ मीन्स संपत्ति ऑफ अ नेशन मीन्स राष्ट्र की, मीन्स किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है मंडेला के अनुसार। तो सिंपल से मंडेला ने कहा था किसी भी राष्ट्र की जो है सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं, उनके जो है जो उस देश के लोग होते हैं वही सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, तो जो है आपका पीपल हो जाएगा सिंपल सा। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिए मिनरल्स, बिल्कुल नहीं, दूसरा जेम्स, बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन डायमंड्स, बिल्कुल नहीं, चौथा ऑप्शन आपका पीपल दिए हुए हैं, मीन्स किसी भी देश के लोग जो है सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं, तो आपका पीपल हो जाएगा। आठवीं का कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो आठवीं के हम लोग किस पे टिक कर देंगे, डी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। तो भैया आठवीं के डी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए बच्चे आपके सामने नवा प्रश्न है,
वर्ड कम्स मोर नेचुरली, मीन्स कौन सी चीज जो है एकदम स्वाभाविक ढंग से आ जाती है टू हर्ट मीन्स हृदय में, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, मंडेला के अनुसार हृदय में कौन सी चीज जो है बहुत अधिक स्वाभाविक ढंग से आ जाती है। तो भैया कौन सी चीज जो है स्वाभाविक ढंग से आ जाती है? लव मीन्स प्रेम जो होता है वो स्वाभाविक ढंग से आ जाता है ना मंडेला के अनुसार, क्योंकि प्रेम बहुत जल्दी आ जाता है किसी के भी प्रति जो है, प्रेम जो है बहुत जल्दी, आप नफरत तुरंत किसी से नहीं करने लगेंगे, प्रेम लेकिन करना शुरू कर सकते हैं। और भैया कुछ बच्चा लोग तो सोचेंगे कि सर जी हम लड़कियां कौनो लड़की देख लेते हैं खूबसूरत, तुरंत है हमको प्रेम समझ में आने लगता है, प्रेम हो जाता है। तो भैया ये वो वाला प्रेम यहाँ पर नहीं है, ठीक है? अगर आपके दिमाग में वो वाला प्रेम जा रहा होगा तो भैया वो वाला प्रेम यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पवित्र प्रेम वाला है। हालांकि वह पवित्र ही है, वह कौनो अपवित्र नहीं है, सब कुछ पवित्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरा प्रेम है। तो मंडेला के अनुसार यही कही हुए थे कि प्रेम जो होता है अत्यधिक स्वाभाविक ढंग से आ जाता है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हेट्रेड नहीं होगा, दूसरा यूनिटी बिल्कुल नहीं, तीसरा आपका लव दी में, तो लव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नवी का कौन सा सही हो जाएगा, जो है तीसरा मिस लव वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो नवी का सी वाला ऑप्शन सही कर दिए हुए। यहाँ पर हमने देखिए उत्तर लिखे हुए हैं। अब जो है सेकंड चैप्टर के आधार पर अंतिम प्रश्न पे चलते हैं, जो आपका नेल्सन मंडेला के आधार पर अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, Who according to Mandela, Mandela के अनुसार कौन is not free, स्वतंत्र नहीं है, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? पहला ऑप्शन ऑपरेसर जो अत्याचार करते हैं वे स्वतंत्र नहीं होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ऑप्रेस्ड मीन्स जो पीड़ित होते हैं वे स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो ये दूसरा ऑप्शन। और सी वाला बोथ ए एंड बी मीन्स ए भी सही है बी भी सही है, ए सी वाला ऑप्शन है, और डी नन ऑफ दी एबव मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे जो है मंडेला के अनुसार वे जो है लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं जो अत्याचार करते हैं, और जो पीड़ित होते हैं उस अत्याचार का जो पीड़ित होते हैं वो भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, मीन्स दोनों लोग स्वतंत्र नहीं होते हैं, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। तो मंडेला के अनुसार जो है कौन स्वतंत्र नहीं होते हैं, ऑप्रेसर भी नहीं स्वतंत्र होते हैं और ऑप्रेस्ड भी स्वतंत्र नहीं होते हैं, तो इसलिए दसवीं का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े पे अच्छी तीसरी चैप्टर के आधार पर एमसीक्यूज को देखें। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी सभी बच्चा लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से प्यारे आप लोग वीडियो को लाइक करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने 11वां प्रश्न है, व्हाट वाज द टॉपिक, क्या विषय था ऑफ द एसे रिटन बाय एन फ्रैंक के द्वारा जो जो है निबंध लिखा गया था उसका विषय क्या था? तो भैया टॉपिक क्या था, चैटर बॉक्स था ना, मीन्स बातूनी जो है उसका जो है एसे का टॉपिक था ना, तो चैटर बॉक्स हो जाएगा। अब चैटर बॉक्स देखिए जो है कौन से ऑप्शन में दिए हुए हैं, माई डायरी पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा अ लेटर बॉक्स बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन अ चैटर बॉक्स दिए हुए हैं, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अ चैटर बॉक्स हो जाएगा। तो मीन्स व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे रिटन बाय एन एन फ्रैंक के द्वारा जो विषय लिखा गया था कौन सा विषय था, किस विषय पर जो है एसे लिखी हुई थी, तो चैटर बॉक्स पर मीन्स जो है आपका बातूनी पर लिखी हुई थी, तो इसलिए 11 का सी हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा, 11 का सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है आपके सामने। यहां पर देखिए प्यारे बच्चे 12वां प्रश्न है, Who is Annie's long awaited friend? Who is means कौन है, Annie's means Annie का long awaited friend means बहुत लंबे समय से इंतजार किया गया दोस्त, means Annie का जो है सबसे बहुत लंबे समय से इंतजार किया गया दोस्त कौन है, उसकी डायरी थी, उसकी डायरी के सिवा उसके लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कोई नहीं था, तो सिंपल सी बात हर डायरी हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन हर पेन बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन हर कैन बिल्कुल नहीं, तीसरा ऑप्शन हर डायरी, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसलिए 12वीं का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 12वीं के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12वीं के सी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 13वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 13वां प्रश्न है, Which city were Anne and Margot sent to live with their grandmother? ध्यान से सुनिएगा, Which city means कौन से शहर में were Annie means Annie and Margot और Margot sent to live means उन्हें रहने के लिए भेज दिया गया था, with their grandmother means अपनी दादी माँ के साथ, अपनी दादी माँ के साथ किस शहर में जो है Anne Frank को और Margot को भेज दिया गया था रहने के लिए? तो भैया ऑप्शन शहर था ना, अचन शहर था ना, हमने पढ़ाई भी थे, अच्छे से समझाई भी थे सारी चीजों को, अचन शहर में भेज दिया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन बर्लिन बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन अचन दी हुए हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
13वीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 13वीं के बी वाले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बाकी मुनीस भी नहीं होगा, बोन भी नहीं होगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 13वीं का बी सही हो गया। आगे बढ़िए प्यारे, बताओ जल्दी से, सभी प्यारे जल्दी से बताएं, आगे बढ़िए। अब 14वीं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 14वां प्रश्न है, Who was the only survivor? कौन एकमात्र जीवित बच्चा था from इनी's family, means इनी के परिवार का, इनी के परिवार का कौन एकमात्र जीवित सदस्य बचा हुआ था? तो भैया कौन एकमात्र जीवित सदस्य बचा था? इनी's father, means इनी के पिता बचे हुए थे ना, बाकी जब ये लोग जो है चले गए थे, मींस जो है जब इन्हें कंसंट्रेशन कैंप में जो है भेजा गया था, तो सभी लोग मर गए थे, केवल इनीस के फादर मींस इन्हीं के पिता बचे हुए थे, जो उनका जो है बाद में डायरी को प्रकाशित कराए। तो भैया पहला ऑप्शन इन्हीं बिल्कुल नहीं, दूसरा ऑप्शन इनीस फादर, यही सही हो जाएगा। तो मींस कौन जो है ओनली सर्वाइवर था, इनीस फादर मींस इन्हीं के पिता थे, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही। बाकी तीन चार ऑप्शन को हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका सही ऑप्शन मिल गया तो जो है काहे को खराब जो है वाले को चुनने की आवश्यकता है, जब सही वाला मिल गया। तो आपका 14वीं का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 14वीं की बी पर हमने टिक कर दी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्याची 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 15वां प्रश्न है, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, व्हाट नेम मींस किस नाम से हर बुक पब्लिश्ड विद, मींस किस नाम से उसकी किताब पब्लिश की गई। तो भैया किस नाम से पब्लिश की गई थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से जो है प्रकाशित की गई थी ना, तो उसके पिता किस नाम से जो है इस डायरी को प्रकाशित की करवाए थे, इस किताब को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से प्रकाशित करवाए थे। तो अब देखिए किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, बिल्कुल नहीं, दूसरा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये वाला का ऑप्शन सही हो जाएगा, तो मीन्स 15वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 15वें के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, धनादन टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 15वें की बी पर हमने धनादन टिक भी कर दिए हुए हैं। तो भैया ये हो गया आपका 15वें का बी सही हो गया, तो 15वें की बी पर हमने टिक कर दिए। आगे बढ़े, आगे जल्दी से बढ़ते हैं प्याची, अब चौथे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। चौथा चैप्टर क्या है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया के आधार पर जो प्रश्न है उनको अब हम लेंगे। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10th के हर एक बच्चे तो बच्चों को जोड़ लें, क्योंकि शाम 6:30 जो डेली आपकी क्लासेस चल रही है और एग्जाम तक आपकी इसी तरह से क्लासेस मिलती रहेंगी, तो इसलिए रिविजन सीरीज से सभी बच्चों को आप लोग जोड़ लोगे। ये आप लोग की ही जो है वो है कि रिविजन सीरीज सारी पेड क्लास की क्लासेस आपकी यूट्यूब पे कर दी गई हैं, तो इसलिए आप सभी बच्चों को जोड़ लोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं पैचे 16वां प्रश्न, यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं, दी वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी, मींस चाय और चीनी जैसे शब्द आर डिराइव्ड फ्रॉम, लिए गए हैं, चाय और चीनी जैसे शब्द लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, चाइना से लिए गए हैं। सिंपल सी बात पैचे, उसमें दिया हुआ था चाय और चीनी कहाँ से लिए गए हैं, जो है चाइना से लिए गए हैं, तो आपका इंडिया पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं, फ्रांस बिल्कुल नहीं, थर्ड ऑप्शन सी दिए हुए हैं आपका चाइना, तो चाइना हो जाएगा। तो अमीन साहब का 16वीं का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 16वीं के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 16वीं के सी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्याचे 17वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 17वां प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 17वां प्रश्न है, वाज कॉल्ड कबाई, कौन सा जो है चीज कबाई कहलाता था। पहला बेकर्स ड्रेस, बेकर का ड्रेस कबाई कहलाता था, दूसरा बेकर्स बास्केट, तीसरा बेकर्स बंबू, चौथा बेकर्स सांग। तो सिंपल सी प्यारी बात है, कबाई क्या कहलाता था, बेकर्स का जो ड्रेस होता था, जो बेकर अपनी कपड़े को पहनते थे, परिधान को जो पहनते थे, वही कबाई कहलाता था। सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, बेकर्स ड्रेस, मिस बेकर्स का ड्रेस जो है कबाई कहलाता था। तो आपका जो है 17वीं का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बेकर्स ड्रेस आपका पहले ऑप्शन में दिए हुए हैं, इसलिए 17वीं का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं प्याची, यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न है, 18वां प्रश्न आपके सामने है, दी बेकर वाज आल्सो दियर, बेकर उनका हुआ करता था, मींस उन लड़कों के लिए बेकर क्या हुआ करता था। पहला ऑप्शन फ्रेंड, दोस्त हुआ करता था, बिल्कुल सही है, गाइड मार्गदर्शक हुआ करता था, बिल्कुल सही है, भी कंपेनियन साथी हुआ करता था, ये भी बिल्कुल सही है। तो जब आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा जो दिए हुए हैं ऑल ऑफ दी एबव, मींस ऊपर जितनी दिए हुए हैं सभी आपका सही हो जाएगा, तो इसलिए 18वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 18वें के डी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 18वें के डी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो है इस प्रश्न का उत्तर कैसे 18वां का डी हुआ।
आगे बढ़ते हैं बच्चों 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने 19वां प्रश्न है, व्हाट आर दी बेकर्स नोन एज इन गोवा, गोवा में बेकर्स किस नाम से जाने जाते थे, तो पेडर के नाम से जाने जाते थे ना। हमने कई बार चैप्टर को, जो बच्चे जो है चैप्टर को पढ़े होंगे उनके लिए एकदम हलवा लग रहा होगा, उनके लिए जो भी प्रश्न बता रहे हैं एकदम हलवा लग रहा होगा कि तो सर जी हमको सब कुछ आता है। अगर भी आपके लिए हलवा लग रहा है तो समझ जाओ आपके 3 नंबर पहले से ही पक्के हैं, तब कोई जरूरत आपको नहीं है, एकदम ध्यान से केवल क्लास को मजे से अटेंड कर लीजिए बस, ठीक है। दिक्कत तो उन बच्चों के लिए हो रही होगी जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हुए हैं, एकदम नए नए अभी निकले हुए हैं, मतलब जो अभी अभी जागृत हुए हैं उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, बाकी जो है ओल्ड बच्चों के लिए तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो अच्छी ये हो जाएगा 19वें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, व्हाट आर दी बीकर्स नोन एज इन गोवा, गोवा में किस नाम से जाने जाते थे, पेडर नाम से। पहला ही ऑप्शन आपका पेडर दिए हुए हैं तो पेडर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पुर्तगीज, बिल्कुल नहीं, पेकर बेकर ये भी नहीं, तो आपका पेडर नाम से जाने जाते थे, याद रखना दिमाग में पेडर नाम से जाने जाते थे, तो 19वें का आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ, अच्छे देखते हैं 20वां प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए आपके सामने 20वां प्रश्न आ गया है, कुर्ग इज अ डॉट डॉट कंट्री, कुर्ग कैसा देश है, कॉफी कंट्री है प्यारे, कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री, कुर्ग एक कॉफी कंट्री वाला देश है, तो सिंपल से जो है देश नहीं, कुर्ग जो है स्थान है, इंडिया में ही है जो है, इंडिया पहले मैसूर में था अब तो कर्नाटक में है, ठीक है, तो जो है कुर्ग स्थान है, तो कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री, तो आपका कॉफी कौन सा ऑप्शन दिए हुए हैं, सी वाला ऑप्शन में, पहला टी दूसरा ब्रेड तीसरा सी वाले में कॉफी दिए हुए हैं, तो इसलिए 20वें का कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20वें पर हम लोग किस पे टिक कर देंगे, सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, तो देखिए 20वें के सी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप पढ़ेंगे पे अच्छे अगले चैप्टर के आधार पर, इस पांचवें चैप्टर के आधार पर हमने 5 एमसीक्यूज देख लिए हुए हैं, अब हम लोग चलेंगे छठे चैप्टर के आधार पर। यहाँ पर देखिए छठे चैप्टर के आधार पर आपकी 5 एमसीक्यूज यहाँ से मतलब 21 से लेकर के 25 तक जो है आपका 5वें चैप्टर के आधार पर एमसीक्यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है और 5वां चैप्टर कौन सा है, मैडम राइड्स दी बस है। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट डिड वल्ली डू, वल्ली ने क्या किया, वन फाइन स्प्रिंग मिस, एक सुनहरे वसंत के दिन, एक सुनहरे वसंत के दिन वल्ली ने क्या किया, तो सिंपल सी बात है प्यारे, वल्ली ने बस को पकड़ा हुआ था, कहाँ के लिए, शहर के लिए, वल्ली ने शहर के लिए बस को पकड़ा हुआ था, तो पहला ऑप्शन कॉट दी बस, बस को पकड़ी, टू दी टाउन मिस, शहर के लिए कस्बे के लिए, शहर कस्बे के लिए उसने बस को पकड़ा, तो ये आपका जो है 21वें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है जो दिए हुए हैं कॉट दी बस टू दी विलेज, गांव के लिए बस पकड़ी, बिल्कुल नहीं, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। वल्ली कहां के लिए बस पकड़ी हुई थी, शहर के लिए बस पकड़ी हुई थी, अपने गांव से शहर के लिए बस पकड़ी हुई थी, तो आपका 21 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 22 की पे अच्छी, 22 पे देखते हैं 22 आपका क्या है, 22वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, व्हाट सैडेंड वल्ली, वल्ली को कौन सी चीज ने दुखी कर दिया, तो भैया वल्ली को कौन सी चीज ने दुखी कर दिया था, द डेड काउ, जो मरी हुई गाय थी उसी ने दुखी कर दिया हुआ था ना। जब वल्ली वापस आ रही थी, रिटर्न हो रही थी, तो उसने सड़क पे देखा कि जो गाय जो है जाते समय एकदम हंस कूद रही थी, वह जो है अब मर करके पड़ी हुई थी, तो उसी चीज ने उसे दुखी कर दिया था ना। तो सिंपल सा उत्तर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन द डेड काउ हो जाएगा, मींस जो है वल्ली को किसने दुखी कर दिया, डेड काउ मींस मरी हुई गाय ने दुखी कर दिया, तो इसलिए भैया 22वीं का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो 22वीं की हम लोग पहले पर टिक कर देंगे। तो यहां पर देखिए 22वीं के पहले पर हमने टिक कर दिए हुए हैं, बाकी जो है अन्य ऑप्शन को देखेंगे तक नहीं जब आपको सही ऑप्शन मिल गया। आगे बढ़े 23वें प्रश्न की तरफ, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, अभी लाइक की संख्या जो है 100 के ऊपर नहीं पहुंचा है, जल्दी से बच्चे आप लाइक की संख्या 100 के ऊपर पहुंचाएं। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ, यहां पर देखिए आपके सामने 23वां प्रश्न है, व्हाट मेड हर लाफ, मींस कौन सी चीज ने उसे हंसाया, ऑन हर जर्नी मींस उसकी यात्रा में, उसकी यात्रा में कौन सी चीज ने उसे हंसने के लिए मजबूर किया, तो भैया जो गैया अगवा दौड़ रही थी उसी ने जो है उसे हंसने के लिए मजबूर किया था ना। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन दी ओल्ड वुमेन्स इयररिंग्स, मतलब जो बूढ़ी औरत थी जो उसके कान की बाली थी उसने जो है उसने हंसने की मजबूर किया, बिल्कुल नहीं। दूसरा ऑप्शन दी साइट ऑफ रेनिंग काउ, मिस दौड़ती हुई गाय का जो दृश्य था इसी चीज ने उसे हंसने के लिए मजबूर कर दिया हुआ था ना, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 23 का बी सही हो जाएगा, तो 23 के बी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। तो भैया 23 का बी वाला आपका ऑप्शन सही हो गया, तो 23 के बी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं।
आगे बढ़े, 24वें प्रश्न की तरफ बढ़े। तो प्याचे 24वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका 24वां प्रश्न है, हाउ डिड सी पिकअप स्मॉल डिटेल्स, कैसे उसने जो है छोटी छोटी जो है डिटेल्स को पिकअप किया, मीन्स एकत्रित किया अबाउट दी बस जर्नी, मीन्स बस की यात्रा के बारे में, बस की यात्रा के बारे में उसने छोटे छोटे जो है बिंदु को, मीन्स छोटी छोटी जानकारियों को कैसे कलेक्ट किया, कैसे इकट्ठा किया, ये आपका प्रश्न है। तो भैया कैसे, वह लोगों से सुन करके, मीन्स जो उसके पड़ोसी बात करते थे उनसे जो है सुन करके उसने एकत्रित जानकारी की थी। इसके साथ साथ उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछ करके जो है उसने बस यात्रा के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। किसकी बात हो रही है, वल्ली की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए पहला ऑप्शन दिए हुए हैं, लिसनिंग टू कन्वर्सेशन ऑफ नेबर्स, मीन्स पड़ोसियों के कन्वर्सेशन, मीन्स वार्तालाप को सुन करके, बिल्कुल सही है। दूसरा, आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, मीन्स कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछ करके, डिस्क्रीट मीन्स होता है महत्वपूर्ण, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान करके उसने जानकारी इकट्ठा की। तीसरा ये भी सही है, सी वाला ऑप्शन है, ऑल ऑफ द एबव, मीन्स ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों ऑप्शन सी वाला कहता है, तो सी वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहला भी सही है दूसरा भी सही है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो पैचे 24 का कौन सा हो जाएगा, 24 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 24 के सी पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। आगे बढ़े 25वें प्रश्न की तरफ, जल्दी से आप सभी बताओ 25वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़े ना, तो बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ आगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने 25वां प्रश्न है, व्हाट वाज वल्लीज एज, वल्ली की अवस्था क्या थी, मींस वल्ली कितने साल की थी। तो प्याचे वल्ली 8 साल की थी ना, सिंपल से वल्ली 8 साल की थी, तो आपका किस कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट वाज वल्लीज एज, वल्ली की अवस्था कितनी थी, 8 वर्ष की, तो आपका जो है बी वाले ऑप्शन में 8 वर्ष दिए हुए हैं, तो आपका 8 वर्ष वाला मींस बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी पर हम लोग दनादन टिक कर देंगे। तो भैया 25 प्रश्न हो गया, अब अंतिम चैप्टर के आधार पर चलिए, मींस 5 चैप्टर के आधार पर आपके सारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा दिए हुए हैं। अब चले जो है छठे चैप्टर के आधार पर, छठा चैप्टर आपका मींस अंतिम सिलेबस का चैप्टर कौन सा है, दी सर्मन एट बनारस होगा ना। तो भैया अंतिम चैप्टर दी सर्मन एट बनारस के आधार पर 5 एमसीक्यूज जहां से शुरू होते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, दबा करके जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, फिर इसके बाद हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहां पर देखिए आपका पहला प्रश्न है, व्हाट वाज गौतम बुद्धास अर्ली नेम, मींस गौतम बुद्ध के शुरुआत का नाम क्या था। What was means क्या था, गौतम बुद्धास means गौतम बुद्ध की अर्ली नेम, means शुरुआती नेम, means गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम क्या था। तो भैया गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम सिद्धार्थ था ना, तो अब देखिए सिद्धार्थ किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन सीधा बिल्कुल नहीं, दूसरा सद्धू बिल्कुल नहीं, तीसरा सी वाला सिद्धार्थ यही आपका सही हो जाएगा, चौथा डी वाला ऑप्शन सिद्धार्थ, ये भी सिद्धार्थ है, लेकिन प्याचे सिद्धार्थ में आपका जो स्पेलिंग है वो आपका सी वाला ही स्पेलिंग सही है सिद्धार्थ का, यही आपका ऑप्शन सही होगा, बाकी जो है डी वाला इस तरह से तो नहीं देना चाहिए, ऑप्शन ही चेंज कर देना चाहिए था इन्हें, क्योंकि इस तरह से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था, तो हालांकि आपकी बोर्ड परीक्षा में इस तरह से नहीं आएगा। तो आपका सिद्धार्थ नाम था प्याचे, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, यहाँ पर देखिए आपके सामने 27वां प्रश्न है, व्हाट डिड बुद्धा नेम, बुद्धा ने क्या नाम रखा, दी ट्री मींस उस पेड़ का, वेयर ही गॉट एनलाइटमेंट, जहां पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया, जहां पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की वहां पर जो है उस वृक्ष का नाम उन्होंने क्या रखे। तो भैया उस वृक्ष का नाम बोधि ट्री रख दिए थे ना, बोधि ट्री उस वृक्ष का नाम रखे थे ना, तो आपका जो है बोधि ट्री देखिए किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, पहला ही ऑप्शन प्याचे आपका बोधि ट्री है, तो आपका जो है बोधि ट्री ही जो है उस पीपल के वृक्ष का नाम उन्होंने रखे हुए थे, तो आपका बोधि ट्री हो जाएगा। बाकी बुद्धा ट्री जो है अगला, गौतमा ट्री, सिद्धार्था ट्री, बिल्कुल एक भी नहीं होगा, पहला ही सही हो जाएगा, बोधि ट्री मीन्स 27 का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 27 के पहले पर हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ, देखते हैं 28 क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 28 है, विच सीड मीन्स कौन सा बीज डिड बुद्धा आस्क, बुद्ध ने जो है कहा कीसा टू ब्रिंग मीन्स कीसा को लाने के लिए, कीसा गौतमी को कौन से बीज को जो है लाने के लिए कहा। पहला है पंपकिन सीड्स, बिल्कुल नहीं, मस्टर्ड सीड्स, भैया बताओ मस्टर्ड सीड बुद्धा ने कहा हुआ था ना कीसा गौतमी को लाने के लिए, मस्टर्ड मीन्स क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताना, नहीं तो ऐसे बता देते हैं सरसों का बीज,
ठीक है। तो सरसों के बीज को कहे हुए थे बुद्ध ने ईसा गौतमी से लाने के लिए, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मस्टर्ड सीड मींस यही सरसों का बीज, तो आपका 28 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 28 के बी पर हम लोग क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो देखिए यहां पर 28 का बी वाले पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। बढ़े 29 प्रश्न की तरफ। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करते हो, इसलिए दो प्रश्न और बचे हुए हैं। लाइक की संख्या बढ़ जानी चाहिए, 100 के पार कर जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं 29 प्रश्न की तरफ। 29 प्रश्न में क्या है प्यारे, 29वां, व्हाट डिड बुद्धा टेल, बुद्धा ने क्या बताया? टेल हर अबाउट लाइफ, उसे जीवन के बारे में, मींस ईसा गौतमी को बुद्धा ने जीवन के बारे में क्या बताया? तो भैया क्या बताए? पहला ऑप्शन, इट इज ट्रबल्ड, या दुखों से भरा है, बिल्कुल सही है। इट इज ब्रीफ, या संक्षिप्त है, जीवन संक्षिप्त है, ये भी सही है। सी वाला ऑप्शन, कंबाइंड विद पेन, मींस दर्द से भरा हुआ है, ये भी सही है। डी वाला, ऑल ऑफ दी एबव, मींस ये सभी ऑप्शन। तो भैया जो है आपका डी वाला भी सही है। 29 का आपका डी भी डी वाला ही सही हो जाएगा, क्योंकि जब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो मतलब जो है ऑल ऑफ दी एबव वाला हो जाएगा। तो 29 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव का सही हो जाएगा। तो 29 के हम लोग डी पर क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। तो 29 के देखिए यहाँ पर डी पर हमने टिक कर दिए हुए हैं। आगे बढ़े परीक्षा, बताओ जल्दी से 35वें जो है 30वें प्रश्न की तरफ बढ़े। जल्दी से आप लोग बताओ 30वें प्रश्न की तरफ बढ़े ना, अंतिम प्रश्न की तरफ। अंतिम प्रश्न परीक्षा आपके सामने है। इन विच सिटी, मींस किस शहर में डिड बुद्धा डिलीवर, मींस बुद्ध ने दिया हिज फर्स्ट सर्मन, मींस अपने पहले धार्मिक उपदेश को, मींस किस शहर में बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिए? तो भैया वो कौन सा शहर था जहां पर बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिए? बनारस का शहर था ना, तो दी सिटी ऑफ बनारस हो जाएगा। सिंपल से दी सिटी ऑफ बनारस हो जाएगा। तो इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन, तो बनारस हो जाएगा। बनारस शहर में जो है बुद्ध ने अपने पहले धार्मिक उपदेश को दिए हुए थे। तो 30वीं का आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला पटना है, दूसरा बनारस है, तीसरा लुम्बिनी है, चौथा डी वाला मिस गया है। तो आपका बनारस बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहीं पर प्याची आपका जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे, सभी प्रोज के सभी 6 चैप्टर के आधार पर हमने सभी करा दिए। और अगर आपको ये सारी एमसीक्यूज अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, तो पूरी गारंटी देते हैं प्याची, आपके 3 नंबर पक्के इस एक क्लास से हो गए, अगर आपको जो है सभी एमसीक्यू अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आप इसे एक दो बार ध्यान से क्लास को अटेंड कर लेना। उम्मीद करते हैं आपने अटेंड अच्छे से किया होगा, सारी चीजों को बेहतरीन ढंग से समझा होगा। तो आपके 3 नंबर पक्के भी हो गए, आप बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। तो एपीएफटी आज की क्लास हो गई। और इसके साथ साथ कुछ अन्य चैनल हैं जिससे आपको प्यारे जुड़ना है, और वे कौन कौन से अन्य चैनल हैं जिनसे आपको जुड़ना है, यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं। ग्रामर के लिए आप सेकेंड चैनल डायमंड अकेडमी क्लासेस 2.0 से जो है जुड़ जाएंगे, मीन्स इसे यूट्यूब पे सर्च करके जुड़ जाएंगे। और एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ प्यारे आपका सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर मिलेगा, ये भी यूट्यूब चैनल है, सूरज यादव जौनपुर करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का प्यारे पब्लिक ग्रुप है डायमंड अकेडमी क्लासेस, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पर डायमंड अकेडमी क्लासेस सर्च करिएगा, तो वहां पर आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा डायमंड अकेडमी क्लासेस का, तो वहां से जुड़ जाइएगा। तो ये तो आपको हो गया। बाकी प्यारे जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी फीस 199 रुपये है मात्र, और ओल्ड बेस प्लस क्रैश कोर्स की फीस 249 रुपये है। जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो, आप जो है इन दोनों बैचों में से किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। क्रैश कोर्स में आपका सभी चैप्टर की समरी कराई जाएगी, रिवीजन आपका लिटरेचर प्लस ग्रामर का पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा, मीन्स पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ करा दिया जाएगा। सीरीज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, मीन्स जितनी भी सीरीज है सभी सीरीज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, रिवीजन सीरीज वहां पर भी चल रही है, मॉडल पेपर कराया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलती हैं, डेली इवनिंग टेस्ट होगा, और आपको क्लास का पूरा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और जो है ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में के लिए क्या मिलेगा, तो ओल्ड बैच में लिटरेचर की सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ग्रामर की सारी क्लासेस मिल जाएंगी जो अप्रैल से चल रही है, प्लस उसमें क्रैश कोर्स ऐड रहेगा। ये सारी चीजें ओल्ड बैच प्लस क्रैश कोर्स में देखने को मिलेंगी, जो 249 रुपए को है। तो भैया ये हो गया। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं,
तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहां पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्रत्याशी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहीं पर सेशन की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि इस समय पेड क्लास की क्लासेस आपका यूट्यूब पर फ्री की हुई हैं। तो इसलिए आप जो है क्लास को सभी बच्चों तक पहुंचा दोगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल करके दिखा। तो इसलिए अब प्यारे आपको भीड़ से अलग चल करके दिखाना होगा, तभी आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप टॉपर ऐसे नहीं बन जाएंगे, अपने जिले अपने प्रदेश के टॉपर। आपको लोगों से कुछ अलग करना होगा, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप कुछ इसी तरह से मेहनत करेंगे, और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।